एवरीबडी, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को क्लास 3 साइंस का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूं। इसमें हम चैप्टर 1 में कुछ पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा। फीचर, फर्स्ट चैप्टर का नाम है फीचर ऑफ लिविंग बेइंग। फीचर मीन्स होता है विशेषता, ऑफ मीन्स का, लिविंग बेइंग में आते हैं प्लांट्स एंड एनिमल, और लिविंग बेइंग में प्लांट्स और एनिमल की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ये अपने लाइफ में क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, और इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लिविंग थिंग्स मूव। अब ये लिविंग बेइंग्स, प्लांट एंड एनिमल में लिविंग थिंग्स मूव पहला है पॉइंट। इसमें सभी सजीव वस्तुएं गति करती हैं, सभी सजीव वस्तुएं गति करती हैं, लेकिन प्लांट भी लिविंग बेइंग्स के अंतर्गत आता है, लेकिन यह अन्य जानवरों और आदमियों की तरह चलता नहीं है, लेकिन ये भी इसके अंदर भी वृद्धि होती है। प्लांट डू नॉट मूव, पौधे गति नहीं करते हैं, लेकिन इनके अंदर वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट। सभी सजीव वस्तुएं, प्लांट हो या एनिमल हो, वो सभी फील करते हैं एंड रिएक्ट, उनके अंदर क्रिया और प्रतिक्रिया होती है। किसी भी चीज को दर्द या चोट लगने पर, मान लीजिए कोई बच्चा हो या आदमी हो, अगर उसे चोट लगती है तो उसे महसूस होता है कि मुझे चोट लग गई। रिएक्ट, कोई भी आदमी जब गुस्से में आकर के उसको कुछ बोल जाता है तो वह क्रिया प्रतिक्रिया करता है, यानी कभी वह गुस्से में आ जाता है, कभी आपके ऊपर वह एक्शन मूड में हो जाता है। तो ये सभी सजीव वस्तुएं अपना फील एंड रिएक्ट करती हैं। एंड नेक्स्ट 3 पॉइंट है लिविंग थिंग्स ब्रीथ। सभी सजीव वस्तुएं सांस लेती हैं, पौधे भी अपना सांस, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और उसे, जैसे आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का नाम सुना होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर। सभी सजीव वस्तुएं भोजन लेते हैं, अपना भोजन करते हैं और पानी का यूज करते हैं, जैसे वाटर इज नीड फॉर होल लाइफ। पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है इंसान के लिए। अगर पानी, जल ही, जिसे हिंदी में लोग कहते हैं जल ही जीवन है, जल के अभाव में हम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जल हमारा कुकिंग से लेकर के नहाने धोने और सिंचाई इत्यादि में यूज होता है। हेलो प्यारे बच्चों, अभी मैंने आप लोगों को बताया 1, 2, 3 पॉइंट्स के बारे में, लिविंग थिंग्स मूव, गति कर रही है, गति के बारे में, सभी सजीव वस्तुएं गति करती हैं, लिविंग थिंग्स फील एंड रिएक्ट, सभी सजीव वस्तुएं अनुभव करती हैं और रिएक्ट, क्रिया प्रतिक्रिया होती हैं। एंड नेक्स्ट लिविंग थिंग्स ब्रीथ, सांस लेते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिविंग थिंग्स टेक फूड एंड वाटर। सभी सजीव वस्तुएं भोजन करते हैं और आपका वाटर यूज करते हैं, लेकिन यह सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, विदाउट टेक फूड एंड वाटर नॉट सर्वाइव इन द वर्ल्ड। बिना पानी और भोजन के कोई भी सजीव वस्तुएं जीवित नहीं रह सकती हैं। जैसे प्लांट को ले लीजिए, प्लांट जो है
सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड यानी फोटोसिंथेसिस ग्राउंड से जल लेकर के वो भोजन बनाते हैं और यूज करते हैं। एंड पानी, पानी कंपल्सरी है प्लांट एंड एनिमल सभी के लिए, यानी हम घरेलू चीज़ों से लेकर के और सभी सिंचाई और अन्य प्रकार के कार्यों में हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी सजीव वस्तुएं ग्रो करती हैं, एनिमल जानवर भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वे छोटे बच्चे होते हैं और छोटे से फिर धीरे धीरे उनके अंदर वृद्धि होती है और वे बड़े हो जाते हैं। थ्री स्टेज में उसको डिवाइड कर देते हैं, यूथ मैच्योर एंड ओल्ड, यौनावस्था प्रौढ़ावस्था वृद्धावस्था। उसी तरह से प्लांट में भी, प्लांट भी ग्रो करते हैं, पहले सीड से ग्राउंड लेवल में जाता है, उसके बाद धीरे अंकुरित होते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे वे बड़े होकर के ट्री बन जाते हैं। तो इस तरह से प्लांट और एनिमल में ग्रो होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पत्ति, रिप्रोड्यूस मीन्स होता है उत्पत्ति, उत्पन्न करना, यानी सभी सजीव वस्तुओं में अपने ही यंग वंश, अपने ही जैसे चीज़ों को की को की उत्पत्ति करते हैं। जैसे में मानव हैं, मानव अपने ही जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, और प्लांट होते हैं, प्लांट से बड कली होती हैं, फिर उसके बाद फ्लावर होते हैं, फिर उसके बाद में फिर फल होते हैं, उसके बाद उसमें सीड्स तैयार होते हैं, बीज, और वो बीज जो है फिर ग्राउंड लेवल पे आते हैं और फिर अंकुरित होते हैं और फिर एक बड़े पेड़ का आकार ले लेते हैं। तो इस तरह से करके प्लांट के अंदर जो है वृद्धि होती है, और मनुष्य में भी अपने बच्चे को जन्म देते हैं, जानवरों में भी छोटे छोटे बच्चे जन्म लेते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से सभी सजीव प्लांट एंड एनिमल्स आर ह्यूमन प्रोड्यूस ऑफ यंग वन, सभी सजीव वस्तुओं में उत्पत्ति होती हैं। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, पॉइंट है हमारा लिविंग थिंग्स डाई। लास्ट में क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल सभी सजीव वस्तुएं लास्ट में मर जाती हैं। मैंने बताया थ्री स्टेज, यूथ मैच्योर एंड ओल्ड, यौनावस्था प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था के बाद जो है उनकी लाइफ समाप्त हो जाती है, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, इटीसी वे मर जाते हैं। तो हेलो फ्रेंड, आप लोगों को ये मैंने चैप्टर 3 साइंस का चैप्टर 1 फ्यूचर ऑफ लिविंग बेइंग्स पढ़ाया, और इस पॉइंट को नोट्स करेंगे और हेड सर जी के व्हाट्सएप पर भेज देंगे। थैंक यू।